अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप बखैर होंगे। आपका इसबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़वाऊंगी पंडित बिरिज नारायण चक्सबत और इनके लिखे हुए नज़म रामायण का एक सीन। आइए पहले पढ़ते हैं पंडित बिरिज नारायण चक्सबत के हालात ज़िंदगी। ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पंडित बिरिज नारायण चक्सबत की विलादत एक कश्मीरी ख़ानदान में बामुकाम फैज़ाबाद यानी उत्तर प्रदेश में हुई। इनकी पैदाइश कब हुई? 1882 ईस्वी में और इनका इंतकाल 1926 ईस्वी में हुआ। पंडित बिरिज नारायण चक्सबत की विलादत कहाँ हुई? एक कश्मीरी ख़ानदान में हुई और बामुकाम फैज़ाबाद जो उत्तर प्रदेश में हुई। उन्होंने लखनऊ में तालीम हासिल की। LLB की डिग्री हासिल करने के बाद लखनऊ ही में वकालत करने लगे। इनका इंतकाल बरेली में हुआ और आखिरी रसूम लखनऊ में अदा की गई। इनका इंतकाल बरेली में हुआ और आखिरी रसम कहाँ अदा की गई? लखनऊ में। चक्सबत ने रवायती अंदाज से शायरी शुरू की और गज़लें भी कहीं। जल्द ही वो नज़म गोई की तरफ मुतवज्जा हो गए, वतन परस्ती को मौजू बनाया। उनको मौजू ज़्यादा क्या था? वतन परस्ती था। चक्सबत ने होम रोल के मौजू पर बहुत सी नज़में कही हैं। इनकी नज़मों में कुदरती मनाजिर की अक्कासी, बेदारी वतन के जज्बात, आज़ादी की तड़प और दर्द मंदी के पहलू नुमाया हैं। इनके कलाम में सलासत और रवानी पाई जाती है, यानी इनका कलाम सलेस है, सादा है और रवानी है। उन्होंने अपने अहबाब, बुजुर्गों और कौमी रहनुमाओं पर मरसिये लिखकर इनकी सीरत की उम्दा अक्कासी की है। इनकी नज़मों का मजमुआ सुबह वतन और मुजामीन का मजमुआ मुजामीन चक्सबत के नाम से शाया हो चुका है। आइए आप पढ़ते हैं इनकी लिखी हुई नज़म रामायण का एक सीन। ये वाक़या रामायण से लिया गया है। और जब राम जी रुख्सत होकर अपने घर से जंगल जाते हैं तो अपनी माँ से मिलने जाते हैं। आपको पहले रामायण का बता दें, आपको बता दें कि रामायण में राम जी सबसे बड़े थे और उन्हीं को गद्दी पर बैठाया जाना था, लेकिन उनकी माँ कह के ही नहीं चाहती थी कि राम जी गद्दी पर बैठें। वो अपने बेटे भरत को बादशाह बनाना चाहती थी और सल्तनत का बागडोर उन्हीं के हाथों में देना चाहती थी। तो वो राम को 14 साल के लिए वन यानी जंगल भेजने का राजा दशरथ से उन्होंने वादा किया कि उनको जंगल भेज दिया जाए। और उसी पर यहाँ पे नज़म लिखी गई है। लेकिन राम की माँ जो कौशल्या थी वो बहुत सदमे में थी और यहाँ पर उसी की अक्कासी की गई है। और राजा दशरथ भी बहुत सदमे में थे कि अपने बेटे को जंगल कैसे भेजें। तो आइए यहाँ पर पढ़ते हैं रामायण का एक सीन। रुख्सत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राह वफा की मंजिले अव्वल हुई तमाम। मंजूर था जो माँ की ज़ियारत का इंतज़ाम, दामन से इश्क पहुँच कर दिल से किया कलाम। इजहार बेकसी से सितम होगा और भी, देखा हमें उदास तो गम होगा और भी। अब राम जी जब अपने बाप से रुख्सत ले लेते हैं, राह वफा की मंजिल अव्वल हुई तमाम, यानी राम जी के चेहरे पर ज़रा भी शिकन नहीं आता। वो बाप से रुख्सत होते हैं और ज़रा भी शिकायत नहीं करते हैं कि उनके बाप उनको क्यों जंगल भेज रहे हैं, बल्कि वफादारी से सर झुकाकर उनके बात मान लेते हैं और जंगल जाने के लिए, वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब माँ को, माँ की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं तो दामन से अश्क पोंछ कर दिल से किया कलाम, अपने आँख के जो आंसू है दामन से पोंछा। सोचा कि जब माँ को इस हाल में अगर हम मेरे से माँ मिलेगी तो उसे बहुत गम होगा। इजहार बेकसी से सितम होगा और भी, देखा हमें उदास तो गम होगा और भी। राम सोच रहे हैं कि माँ अगर मुझे सितम की हालत में देखेगी और रोते हुए देखेंगी तो माँ को और गम होगा। दिल को संभालता हुआ आखिर वो नौ निहाल, खामोश माँ के पास गया सूरत ख्याल। देखा तो एक दर में बैठी है वो खस्ता हाल, सत्ता सा हो गया है शिद्दत मलाल। तन में लहू का नाम नहीं जर्द रंग है, गोया बशर नहीं कोई तस्वीर संग है। जब वो माँ से मिलने जाते हैं, क्योंकि वो 14 साल के लिए जंगल जा रहे हैं तो माँ से मिलने जाते हैं, तो माँ को क्या है? दिल को संभालता हुआ आखिर वो नौनिहाल, जब माँ का बच्चा तो माँ ही की तरह होता, नौनिहाल यानी कम उम्र का बच्चा अपनी माँ के पास गया तो खामोश होकर
माँ के पास गया, देखा तो एक दर में बैठी वो खस्ता हाल, यानी वह बहुत बुरे हाल में बैठी थी माँ उसकी, और सख्ता सा हो गया है ये शिद्दत मलाल, यानी माँ बिल्कुल सख्ता हो गई है उसके जिसमें, बिल्कुल बेहुस हरकत हो गई है, कोई हरकत नहीं है, और मलाल से उसका शिद्दत से बुरा हाल है। तन में लहू का नाम नहीं जर्द रंग, यानी जिसमें ऐसा लग रहा खून नहीं है और रंग बिल्कुल पीला पड़ गया है, गोया बशर नहीं कोई तस्वीर संग है, ऐसा लग रहा कोई इंसान नहीं है बल्कि पत्थर की मूरत है, तस्वीर संग यानी पत्थर की तस्वीर बनी हुई है। क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, नूरे नजर पे दीदाए हसरत से की निगाह, जुम्बिश हुई लबों को भरी एक सर्द आह, ली गोश आए हाय चश्म से अशकों ने रुख के रुख की राह, चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा, हरमोए तन जबां की तरह बोलने लगा। अब जब वो माँ के पास गए हैं राम जी, तो देखते कि माँ किस ख्याल में गुम है, और जब नूरे नज़र पर अपने बेटे पर अपने लखते जिगर पर दीदाए हसरत से की निगाह, यानी हसरत भरे निगाह से देखा अपने बेटे को, तो लब पे क्या हुई, जुम्बिश हुई यानी जब हिला और एक सर्द आ निकली लबों से, ली गोशा है चश्मे से अशकों ने रू, हाय चश्मे चश्मे से अशकों ने, यानी हाय चश्मे यानी आँखों के किनारे से, यह गोशा हाय चश्मे यानी आँखों के किनारे से क्या हुआ, अशकों यानी आंसू के आंसू बहने लगे, और चेहरे का रंग हालत दिल खोला, चेहरे का रंग बिल्कुल जर्द जर्द पड़ा हुआ था, और दिल से दिल का उसके हाल पता चलने लगा, और हर मोए तन यानी जिस्म का रुआ रुआ जबां की तरह बोलने लगा कि वह बहुत गमगीन है। रोकर कहा खामोश खड़े क्यों हो मेरी जान, मैं जानती हूँ जिस लिए आए हो तुम यहाँ, सबकी खुशी यही है तू सहरा को हो रवा, लेकिन मैं अपने मुंह से ना हरगिज कहूँगी हाँ, किस तरह बन में आँखों के तारे को भेज दूँ, जोगी बना के राज दुलारे को भेज दूँ। माँ कहती कि बेटे मेरे, मेरी जान तुम क्यों खामोश खड़े हो, मैं जानती हूँ कि तुम किस लिए आए हो मुझसे मिलने, सब यही चाहते हैं तू सहरा को हो रवा यानी तू जंगल चला जाए, लेकिन मैं अपने मुँह से हरगिज नहीं कहूँगी हाँ कि मैं अपने बच्चे को जंगल भेज दूँ। किस तरह बन में आँखों के तारे यानी बन यानी जंगल में अपने आँख के तारे को भेज दूँ। माँ कहती कि तुम मेरे आँख के तारे हो, मैं तुम्हें जंगल में कैसे भेज दूँ, और जोगी बना के राज दुलारे को भेज दूँ, तुम तो राज दुलारे थे और तुमको जोगी बनाकर कैसे जंगल में भेज दूँ। लेती किसी फकीर के घर में अगर जन्म, होते ना मेरी जान को सामान ये बहम, डस्ता ना सांप बन के मुझे शौक तो हशम, तुम मेरे लाल थे मुझे किस सल्तनत से कम, मैं खुश हूँ फूक दे कोई इस तख्त ताज को, तुम ही नहीं तो आग लगाऊंगी राज को। अगर किसी फकीर के घर में जन्म लेती तो मुझे कोई गम नहीं होता, होता ना मेरी जान को ये बहम यानी मुझे कोई गम नहीं होता, क्योंकि मैं तो किसी फकीर के घर की हूँ, और दस्ताना सांप बनकर मुझे शौकत हशम यानी ये जो शान शौकत है मुझे सांप बनकर नहीं डसता, तुम तो मेरे लाल थे और मुझे किसी सल्तनत से कम नहीं थी, मैं तो खुश हूँ इस तख्त ताज को भी छोड़कर, क्योंकि मैं खुश हूँ फूक दे कोई इस तख्त ताज को, मैं खुश रहूँगी अगर इस तख्त ताज को कोई फूक दे, अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं इस राज को या इस सल्तनत को क्या करूँगी, मैं कोई आग भी लगा दे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम ही तो मेरे सल्तनत हो। आगे देखते हैं, सरजद हुए मुथे मुझे से खुदा जाने क्या गुनाह, मझधार में जो यूं मेरी कश्ती हुई तबाह, आते नज़र नहीं कोई अमनो अमां की राह, अब यहाँ से कुछ हो अदम में मिले पनाह, तकसीर मेरी खाली के आलम बहल करे, आसान मुझसे गरीब की मुश्किल अजल करे। अब माँ कहती है कि मुझसे कोई गलती हो गई, खुदा जाने मुझसे क्या सरदर्द मुझसे क्या गलती हो गई है कि मेरी किश्ती क्या है मझधार में फंसी हुई है, और कोई आती नज़र नहीं कोई अमनो अमान की राह यानी कोई राह जो है अमनो अमान की नज़र नहीं आती है, अब यहाँ से कुछ हो तो अदम में मिले पनाह यानी यहाँ से जब मैं मर जाऊँगी तभी मुझे पनाह मिलेगी।
अदम यानी आखरत में मुझे पनाह मिलेगी। अब यहाँ से कुछ हो तो अदम में मेले पला, यानी अब मैं जब यहाँ इस दुनिया से चली जाऊंगी तभी मुझे पनाह मिलेगी। तकसीर मेरी खालिक आलम बहल करे, तकसीर यानी मेरी जो मुझसे जो गलती हुई है वो उसको क्या है आलम बहल करे, माफ़ करे, खुदा हमें माफ़ करे। बहल करना यानी माफ़ करना, और तकसीर यानी जो हमसे गलती हुई है, जो कसूर हुई है वो खुदा मुझे मेरी माफ़ करे। आसान मुझे गरीब की मुश्किल अजल करे, और मुझे गरीब की मेरी मौत ही मुश्किल अजल कर सकती, मतलब मौत ही आसान कर सकती। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे, अजल यानी मौत, अब बहल यानी आसान करना। तो आसान मुझे गरीब की मुश्किल अजल करे, यानी खुदा मेरे गलती को कसूर को माफ़ करे, और मौत ही मेरा मुझ गरीब का मसला को मुश्किल को आसान करेगी। सुनकर जबाँ से माँ की ये फरियाद दर्द खेज़, इस खस्ता जाँ के दिल पे चली गम की तेग तेज़। आलम यह था करीब की आँखें हों अश्क रेज़, लेकिन हज़ार जब्त से रोने से की गरेज़। सोचा यही कि जान से बिकस गुजर न जाए, नाशाद हमको देख के माँ और मर न जाए। जब माँ के जबान से ये सब बात सुनी, फरियाद दरखेज दर्द भरी बातें, तो इस खस्ता जहाँ के दिल पे चली, यानी इस जो राम थे इनके दिल पे बहुत गम के तेग चल गए, यानी गम के तलवार चल गई, तेज़ तेग माने होता है तलवार, तेज़ तलवार की तरह दिल पे चली। आलम यह था करीब के आँखों हों अश्क रेज, यानी आँखों से आंसू गिर जाए। अब ये करीब था कि आँखों से आंसू गिर जाता, लेकिन हज़ार जब्त से रोने से की, जब्त यानी रोका, अपने आप को बहुत रोका और रोने से ग्रेज की, रोने से जब्त करके बर्दाश्त करके रोने से ग्रेज की, यानी रोने से अपने आप को रोका। सोचा है कि जान से बेकस गुजर ना जाए, माँ के दिल पर बहुत बेकस कहीं गुजर ना जाए, और हमको नाशाद देकर, नाशाद यानी नाखुश देकर हमको माँ कहीं मर ना जाए। फिर अर्ज की ये माँ दरे नाशाद के हुजूर, मायूस क्यों है आप, आलम का है ये दफूर वफूर। सदमा ये शाक आलम पीरी में है ज़रूर, लेकिन ना दिल से कीजिए सब्रो करार दूर। शायद खजा से शक्ल आया हो बहार की, कुछ मसलहत इसी में हो परवरदिगार की। अब माँ से राम जी ने अर्ज़ किया, क्या है माँ आप क्यों नाशाद हैं, क्यों ना खुश हैं और मायूस क्यों हैं? मायूस मत होइए, सदमा शाक आलम पीरी यानी बुढ़ापे में जो ये सदमा है ये बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन दिल से सबर को दूर ना कीजिए। माँ को समझा रहे हैं राम जी कि पीरी में यानी बुढ़ापे में ये सदमा बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन आप दिल से सबर और करार को दूर ना कीजिए। शायद खजा से शक्ल आया हो बाहर की, शायद खजा के बाद क्या हो, बाहर आ जाए, और इसी में परवरदिगार की मसलहत है, क्योंकि खुदा जो करता है बेहतर करता है, खुदा के करने में बेहतरी होती है, कुछ मसलहत होती है। पड़ता है जिस गरीब पे रंजो महन का बार, करता है इसको सब्र अता आप कर्दगार। मायूस हो के होते हैं इंसान गुनहगार, ये जानते नहीं वो दानाए रोजगार। इंसान इसकी राह में साबित कदम रहे, गर्दन वही है अम्र रजा में जो खम रहे। रंजो महन माने होता है दुख दर्द गम और तकलीफ। तो जिस गरीब पर दुख दर्द या गम तकलीफ पड़ता है तो अल्लाह ताला उसको क्या है, सब्र भी अता करता है, अता आप कर्द गया यानी खुदा उसे सब्र भी अता करता है। और मायूस होकर इंसान क्या होता है, गुनहगार हो जाता है। ये जानते नहीं वो दाना ये रोजगार, वो खुदा क्या है, बहुत बड़ा दाना है और देने वाला है रोजगार का। और इंसान इसकी राह में साबित कदम रहे, इंसान को हमेशा साबित कदम रखना चाहिए। गर्दन वही है अम्र रजा में जो खम रहे, अम्र रजा यानी अल्लाह की मर्जी में, और खम रहे यानी झुका रहे। गर्दन वही जो है अम्र रजा में जो खम रहे, यानी वही गर्दन खम यानी झुका रहे जो अल्लाह की मर्जी में, अल्लाह की मर्जी जिसमें शामिल हो, इंसान को उसी में गर्दन अपना झुका देना चाहिए। और इंसान को हमेशा साबित कदम रहना चाहिए, क्योंकि खुदा जो करता है बेहतर करता है। आइए अब आगे देखते हैं। अक्सर रियाज करते हैं फूलों पे बागबा, है दिन की धूप रात की शबनम इन्हें गिरा। लेकिन जो रंग बाग बदलता है नागहां, वो गुल हजार पर्दों में जाते हैं रायगा। रखते हैं जो अजीज इन्हें अपनी जां की तरह, मिलते हैं दस्त यास वो बरगे खजा की तरह।
अक्सर क्या होता है, जो माली होता है, जो बागवान होता है, वो अपने फूलों को बहुत ही अजीज रखता है और रात की धूप से और शबनम से, दिन की धूप से और शबनम से इसे बचाता है। लेकिन जब खिजा आती है तो क्या होता है, सारे फूल पतझड़ उसको नहीं बचा सकता है बागवाओं से, और वो सब गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं। वो गुल हजार पर्दों में जाते हैं रागा, वो गुल इतने हिफाजत के बावजूद भी क्या हो जाते हैं, रागा हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। रखते हैं जो अजीज इन्हें अपने जाँ की तरह, मिलते हैं दस्त याज यास वो बरगे खजा की तरह, यानी अफसोस से हाथी मलते रह जाते हैं। बरगे खजा यानी खजा के पत्ते जो है, खजा में सब बिखर जाते हैं पत्ते और फूल, और दस्त याज यानी हाथ मलते रह जाना। जो माली है खजा आने के बाद क्या होता है, वो हाथ मलते ही रह जाते हैं और पत्ते और फूल को नहीं बचा सकते हैं। लेकिन जो फूल खिलते हैं सहरा में बेशुमार, मौकूफ कुछ रियाज पे इनकी नहीं बहार। देखो ये कुदरत चमन आए रोजगार, वो आबरू बाद व बर्फ में रहते हैं बरकरार। होता है इन पे फसल जो रब्बे करीम का, मौजे समूम बनती है झोंका नसीम का। लेकिन जो फूल सहरा में खिलते हैं यानी जंगल में खिलते हैं, बेशुमार फूल खिलते हैं, इन पर कोई मेहनत व मशक्क़त नहीं की जाती है। मौकूफ कुछ रियाज पे इनकी नहीं बहार, इनके जो खिलते हैं इसमें रियाज यानी मेहनत मशक्क़त इस पर बिल्कुल नहीं किया जाता है। लेकिन देखो ये कुदरत चमन आ रहा है, लेकिन कुदरत इसकी देखभाल करती है, आ रहा है रोज़गार यानी कुदरत इसकी देखभाल करती है, और वो बर्फ़ में भी और बर्फ़ में और गर्म हवा में भी क्या होते हैं, बरकरार रहते हैं। मौजे समूम क्या होता है, होता है इन पे फजल जो रब्बे करीम का, मौजे समूम बनती है झोंका नसीम का। यानी जब खुदा का इस पर रहम और करम होता है, फजल जब रब्बे करीम का होता है, तो जो गर्म हवा, मौजे समूह माने गर्म हवा, जो गर्म हवा होती है क्या, झोंका नसीम का ठंडी हवा में बदल देती है। जब अल्लाह ताला की कुदरत उस पर मेहरबान होती है, खुदा को फजल व करम होता है, तो इसको फूल कैसे बचा देता है, फूल को कैसे बचाती है खुदा की कुदरत, मौजे समूह को झोंका नसीम में बदल देती है, यानी गर्म हवा को ठंडी हवा में तब्दील कर देती है। अपनी निगाह है कर्म कारे साज पर, सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबान अगर। जंगल हो या पहाड़ सफ़र हो के हज़र, रहता नहीं वो हाल से बंदे के बेखबर। इसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, दामाने दश्त दामाने मादर से कम नहीं। बोले अपनी निगाह करम कार साज, अगर खुदा की निगाह करम है तो सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबान अगर, तो जंगल भी क्या है, बाग बन जाता है। सहरा यानी जंगल और चमन माने बाग, तो अगर खुदा की मेहरबानी है, अगर वो मेहरबान है, तो जंगल भी क्या है, चमन बन जाता है, फूल खिले रहते हैं। जंगल हो या पहाड़ सफ़र हो, क्या कोई भी जगह हो, जंगल हो पहाड़ हो, लेकिन वो हाल से बंदे के, वो बंदे के हाल से बेखबर नहीं रहता, खुदा बंदे के हाल से बेखबर नहीं रहता है। इसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, अगर खुदा का मुझे करम है, हमारे ऊपर रहम है, तो क्या है, हमें कोई गम नहीं, कोई इंसान को कुछ गम नहीं होता, क्योंकि दामाने दश्त दामाने मादर से कम नहीं। क्या है दामाने दश्त, यानी जंगल का जो दामन है वो दामाने मादर से यानी माँ की गोद से कम नहीं है। दामाने दश्त यानी जो जंगल का दामन है वो मादर की गोद से, माँ की गोद से कम नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि राम क्या अपनी माँ को समझा रहे हैं, कि अगर खुदा का निगाह हो हमारे ऊपर, अगर हम अल्लाह का रहम करम हो और खुदा हमारे गम हमारे साथ शरीक हो, तो हमें जंगल के भी दामन जंगल नहीं लगेगा, बल्कि मादरे दामने मादर लगेगा, यानी माँ की गोद से कम नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे ये रामायण का सीन, जब राम अपना घर छोड़कर जंगल जा रहे होते हैं और माँ से मिलने जा रहे हैं, तो ये सीन बहुत ही गम और गमगीन है और बहुत ही दिल को छू लेने वाली है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं आप लफ्ज़ और मायने। ज़ियारत, किसी मुतबरक मुकाम चीज़ या शख्स को अकीदत से देखना, किसी मुकद्दस मुकाम का सफ़र करना। सितम यानी जुल्म। नौनिहाल यानी पौधा या कम उम्र बच्चा। सख्ता यानी बेहसो हरकत हो जाने का मर्ज। मलाल यानी रंज। बशर यानी इंसान। तस्वीर संग मुजस्मा पत्थर की तस्वीर, पत्थर की मूर्त। दिदाए हसरत यानी हसरत भरी निगाह। दिदाए हसरत क्या होगा, हसरत भरी निगाह।
गोशा हाय चश्मे, यानी आंख के कोने, गोशाए हाय चश्मे हमने पढ़ाया आपको, उसके आंख के कोने से आंसू रवा होने लगे। मोयतन यानी जिस्म के बाल रुआ, जोगी यानी फकीर, वहम यानी साथ साथ इकट्ठे, शौक हश्म यानी शानो शिकवा रुआब दाब, सरदर्द होना यानी पेश आना वाकई होना, मंझधार यानी भंवर दरिया के बीचों बीच, कुछ करना यानी रवाना होना, अदम यानी आखरत गैर मौजूद होना, तकसीर यानी कसूर या गलती, बहल करना यानी माफ करना, अजल यानी मौत, दरखेज यानी दर्द उठाने वाला, और गिरेज यानी बचना, नाशाद यानी नाखुश, खुश नहीं होना। अलम कहते हैं गम को, वफूर यानी ज्यादती, और शाक यानी सख्त दुश्वार, आया यानी जाहिर, और रंजोमहन यानी दुख दर्द गम तकलीफ, अमरे रजा यानी अल्लाह की मर्जी, खम यानी टेढ़ापन, और रियाज यानी बहुत से बाग यानी बहुत मेहनत करना, नागेहा यानी अचानक, और रायगा यानी बेकार, दस्त यास मिला यानी अफसोस से हाथ मरना, बरगे खजा यानी खजा के पत्ते, मौकूफ यानी मुनहसर मुलतवी, मौजे समूम यानी गर्म हवा झुलसा देने वाली हवा लू को कहते हैं, और नसीम ठंडी हवा कहते हैं, कार्य साज यानी काम बनाने वाली यानी अल्लाह, हजर यानी एक जगह क्याम ठहराव, और दश्त यानी जंगल, दामानी मादर यानी माँ की गोद माँ की आगोश। आइए पढ़ते हैं गौर करने के बाद। इस नज़म में माँ और बेटे के जज्बात की अक्कासी की गई है, यहाँ माँ और बेटे के जज्बात की अक्कासी की गई है, और बेटा कौन है, राम है, और उनकी माँ कौशल्या है, जिनके बीच में ये बातचीत हुई है, और इसको यहाँ पर अक्कासी की गई है। अयोध्या के राजा दशरथ की तीन बीवियाँ थी, कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा, ठीक है, इनकी बीवा तीन बीवियाँ थी, कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या जो राम की माँ थी, और कैकेयी जो भरत की माँ थी, जो अपने बेटे को गद्दी पर बैठाना चाहती थी। रामचंद्र जी कौशल्या के बेटे थे। जब तख्त पर रामचंद्र जी के बैठने का वक्त आया, तो इनकी सौतेली माँ कैकेयी ने अपना लिया हुआ वादा राजा दशरथ को याद दिलाया। जब राम जी को गद्दी पर बैठाया जा रहा था, तख्त पर रामचंद्र जी को बैठने का वक्त आया, तो उनकी सौतेली माँ ने क्या किया, राजा दशरथ को अपना किया हुआ वादा याद दिलाया। आखिरकार रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास मिला, और इसके बदले में राम जी को क्या हुआ, 14 साल का वनवास मिला। नज़म के सीन में रामचंद्र जी का अपनी माँ कौशल्या से रख्सत होना बहुत पुरदर्द अंदाज में दिखाया गया है। जब रामचंद्र जी अपनी माँ कौशल्या से रख्सत हो रहे हैं, तो नज़म में इसी सीन को दिखाया गया, और ये बहुत पुरदर्द अंदाज में दिखाया गया, और वाकई ये पुरदर्द अंदाज होना भी चाहिए, क्योंकि एक बेटा अपनी माँ से जुदा हो रहा, वो भी 14 साल के लिए, और वो भी जंगल में जा रहा अपने राज सल्तनत छोड़कर, क्योंकि बेटा बहुत वफादार था, अपनी बाप की बात को एक बार भी मान गया, और वो जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। अब आइए सवाल जवाब देखते हैं। सवाल जवाब मैंने आपके सारे कंप्लीट कर दिए हैं, अब चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी में आसानी हो और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। अब इस वीडियो को पूरे देखें और अच्छी तरह समझें, ताकि आपका एक एक सवाल जवाब लिखना आसान हो जाए, और एक एक सवालों के जवाब आप अच्छी तरह दे पाएँ। तो आइए आप करते हैं सवाल जवाब। सवाल नंबर एक है, राहे वफा की मंजिल अव्वल हुई तमाम, ये कहकर शायर ने किस तरफ इशारा किया है। तो जवाब लिखेंगे, राहे वफा की मंजिल अव्वल हुई तमाम, कहकर शायर ने इस तरफ इशारा किया है कि राम ने अपने बाप राजा दशरथ के हुक्म पर सर झुका दिया, और इंतहाई फरमाबरदारी का सबूत देते हुए वनवास जाने के लिए इनसे रुखसत हुए। अब सवाल दो है, मुंदरजा ज़ैल अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल हुए हैं, सूरत ख्याल, खस्ता, शिद्दत मलाल और तस्वीर संग। जवाब, ये तमाम अल्फाज राम की वालदा कौशल्या के लिए इस्तेमाल हुए हैं, जो अपने बेटे की जुदाई के गम में डूबी हुई थी। सवाल तीन है, आपने ये पढ़ा होगा कि सूरत ख्याल नज़म में पढ़ा है, शिद्दत मलाल मलाल और तस्वीर संग, ये सब इनकी माँ के लिए इस्तेमाल हुआ है। सवाल तीन है, शायर के ख्याल में शौकत व हश्म सांप बनकर किस तरह डस रहा। तो जवाब लिखेंगे, शौकत व हश्म यानी शान व शौकत ही की वजह से तो कौशल्या अपना बेटा जुदा करना पड़ रहा था। कैकेयी ने शौकत व हश्म और तख्त ताज अपने बेटे भरत को दिलाने के लिए सारा चक्कर चलाया था, और यही चीज़ कौशल्या को सांप बनकर डस रही थी।
सवाल चार है, मोयतन जबां की तरह बोलने से शायर की क्या मुराद है? मोयतन यानी जिस्म का एक एक बाल, एक एक बाल हम क्या बोलेंगे, जिस्म बाल को रुआ भी बोलते हैं। तो जवाब लिखेंगे, शायर की मुराद है कि इसके जिस्म की एक हरकत व सकनात गम में डूबी हुई नजर आती है, चेहरे की उदासी और पीलापन, चेहरे की यहाँ पे है उदासी, उदासी और पीलापन, आंखों की मायूसी, सख्ता का आलम, खस्ता हाली, शिद्दत मलाल, सूरत ख्याल और तस्वीर संग नजर आना इसी तरफ इशारा करता है। यहाँ पे तरफ होगा, तरफ इशारा करता है। आइए अब नजम का खुलासा पढ़ते हैं। रामायण का एक सीन का खुलासा है, बाप से रुखसत होने के बाद वो फरमाबरदार और वफादार बेटा आंसू पोंछकर माँ की तरफ रवाना हुआ ताकि इससे रुखसत हो सके। वो जाते जाते सोच रहा था कि माँ मुझसे मिलकर और उदास हो जाएगी। यही सोचता वो खामोशी से माँ के पास गया तो क्या देखता है कि इसकी माँ बुरी हालत में खामोश और उदास सी एक दर में बैठी हुई है। गम और मायूसी की वजह से इसका रंग जर्द हो रहा है। वो ना जाने किन ख्यालों में गुम थी। इसने एक हसरत भरी निगाह अपनी बेटे पर डाली, एक ठंडी आह भरी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसके जिस्म का एक एक बाल इसकी परेशानी जाहिर कर रहा था। थोड़ी देर बाद इसने कहा, ऐ बेटे, मैं जानती हूँ तू किस लिए आया है। सब यही चाहते हैं कि तू जंगल की राह ले, मगर मैं अपनी ज़बान से तुझसे ये नहीं कहूँगी। मैं तेरी माँ हूँ, मुझे किस तरह ये गवारा होगा कि मैं अपनी आँखों के तारे को जोगी बनाकर जंगल में भेज दूँ। काश मैं किसी फ़कीर के घर में पैदा हुई होती तो इस तरह का ये दिन तो देखना पड़ता। शान शौकत का सांप मुझे डस रहा है। मेरे लाल, मुझे तख्त ताज की कोई ख्वाहिश नहीं, तुम मेरे लिए किसी सल्तनत से कम नहीं हो। उसकी माँ बोल रही है कि तुम मेरे लिए तख्त ताज की मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है, तुम मेरे लिए किसी सल्तनत से कम नहीं हो। तुम्हारे बगैर इस तख्त ताज और हुकूमत को क्या मैं आग लगाऊंगी। ना जाने मैंने क्या गुनाह किए थे कि खुदा ने मुझे इसकी सजा दी है। माँ बोली कि मैंने पता नहीं क्या गुनाह किया था कि खुदा ने मुझे इसकी सजा दी है। अब मुझे बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती, मौत ही मुझे इन गमों से निजात दिला सकती है। माँ की इस तरह की बातें सुनकर राम पर बहुत असर हुआ। इसके आंसू निकलने ही वाले थे लेकिन इसने बड़े जब्त करके आंसुओं को रोका क्योंकि इसने सोचा माँ पर इसका असर पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने कहा, खुदा जो कुछ करता है इसमें कुछ ना कुछ भलाई ज़रूर होती है। बुढ़ापे में इस तरह का सदमा यकीनन बहुत तकलीफ, लेकिन इसमें भी खुदा की कोई मसलहत पोशीदा है। खुदा जब मुसीबत देता है तो सब्र भी देता है। अब राम जी माँ को समझा रहे हैं कि खुदा की इसमें कुछ ना कुछ भलाई होती है और खुदा के हर काम में राज पोशीदा होता है। खुदा जब मुसीबत देता है तो सब्र करने की भी ताकत देता है। इनको मायूस नहीं होना, इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए बल्कि साबित कदमी से मुसीबतों का मुकाबला करना चाहिए। अक्सर माली बच्चों की तरह बाग की रखवाली करते हैं, दिन की धूप और रात के शबनम से पौधों को बचाते हैं, लेकिन जब खजा आती है तो वो कुछ नहीं कर पाते और हाथ मलते रह जाते हैं। लेकिन जंगल के फूलों की तरह कोई देखभाल नहीं करता, जंगल के फूल की तो कोई देखभाल नहीं करता, कुदरत इसकी निगहदाश्त करती है, यानी निगहबान खुदा ही होती है इसकी। बादलों में बर्फ़ में वो बाकी रहते हैं, इन पर खुदा का करम होता है। खुदा सबका निगहबान है, वो किसी से बेखबर नहीं रहता, वो हर जगह अपने बंदों की हिफाजत करता है। खुदा का फजल करम साथ होता है तो जंगल भी माँ का दामन बन जाता है। वो समझाते हैं अपनी माँ को कि जब खुदा का साथ होता है तो जंगल भी माँ का दामन बन जाता है। आइए अब इसका मरकजी ख्याल पढ़ते हैं। उर्दू में इस तरह की शायरी कम ही हुई है जिसमें हिंदुस्तान की भूभास आती हो। इस एतबार से चकसबत की यह नज़म रामायण का एक सीन बहुत अहम हो जाती है। वाकया रामायण से लिया गया है। इसमें राम, दशरथ और कौशल्या के जज्बात पेश किए गए हैं, खुसूसन माँ और बेटे के जज्बात की अक्कासी की गई है। नज़म के इस सीन में रामचंद्र जी का अपनी माँ कौशल्या से रुखसत होना बहुत पुरदर्द अंदाज में पेश किया है। चकसबत ने बड़े मौसर अंदाज में राम, दशरथ और कौशल्या के जज्बात पेश किए हैं। एक फरमाबरदार बेटा बाप से रुखसत होता है, इस बाप से जिसने खुद इसे वनवास जाने का हुक्म दिया। इसी बाप ने
जंगल में जाने का हुक्म दिया, लेकिन बेटे के चेहरे पर जरा भी कोई शिकन नहीं होती और वो फरमाबरदार बेटा बिल्कुल जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस बाप से जिसने खुद इसे वनवास जाने का हुक्म दिया था, बेटे के चेहरे पर शिकवे की कोई शिकन नहीं बल्कि वफादारी का नूर चमक रहा। बेटा इतना वफादार था कि चेहरे पर वफादारी का नूर चमक रहा कि मैंने राह वफा की एक मंजिल तय कर लिया। अब इसके सामने दूसरी मंजिल है माँ से रुखसत होने की। आँखों से आंसू वो माँ की जानिब रवाना होता, आँखों में आंसू लिए वो माँ की जानिब रवाना होता। दोनों बड़े जज्बाती अंदाज में मिलते हैं। नज़म में रामायण के सबसे अहम हिस्सों को कामयाबी से पेश किया गया। ये नज़म में रामायण के सबसे अहम हिस्सों के लिए गया है और बहुत ही कामयाबी से पेश। अब आइए पढ़ते हैं अमली सरगर्मियाँ। आपका सवाल है इजाफत की तारीफ कीजिए। इजाफत की आप समझिए, जब हम दो मामायने लफ्ज़ों को ज़ेर या हमज़ा से जोड़कर एक नई तरकीब बनाते हैं वो ज़ेर या हमज़ा इजाफत कहलाता है, जैसे इब्ने मरियम या जलवाहे तूर। क्या समझा आपने? दो बामाने लफ्ज़े को ज़ेर या हमज़े से जोड़कर, कभी हम ज़ेर से जोड़ते हैं कभी हमज़े से जोड़ते हैं, एक नई तरकीब बनाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? वो ज़ेर या हमज़ा इजाफत कहलाता है, जैसे इब्ने मरियम, यहाँ नून के नीचे ज़ेर होता है तो ये क्या होगा, ये इजाफत हो गया। जलवाए तूर यानी तूर का जलवा, तो यहाँ पर जो हमज़ा है ये इजाफत है। ठीक है, सवाल दो है हुर्फ अतफ किसे कहते हैं? जवाब लिखेंगे वो हुर्फ जो मुफरिद कलमों या जुमलों को जोड़ते हैं, जो जो दो अलग अलग कलमों को जोड़ते हैं या जुमलों को जोड़ते हैं, जैसे या और या व हुर्फ कहलाते हैं, ये हुर्फ अतफ कहलाते हैं। हुर्फ अतफ कौन कहलाते हैं? जो दो अलग अलग जुमलों को जोड़ते हैं या कलमों को जोड़ते हैं, तो वो कौन से होते हैं? और या व, ये सब क्या है? उर्फ अतफ कहलाते हैं। सवाल तीन है चकसबत की नज़म निगारी का जायज़ा लिखिए। तो जवाब लिखेंगे चकसबत ने लखनऊ की अदबी फिजा में आंखें खोली। एक तरफ गालिब की शायरी का जादू सर चढ़कर बोल रहा था तो दूसरी तरफ लखनऊ की फिजा पुर आतिश और अनीस का रंग छाया हुआ था। चकसबत किस ज़माने थे? गालिब के ज़माने में थे और उस वक्त अनीस का रंग भी छाया था। अनीस बहुत बड़े मरसिया निगार थे। चकसबत ने अनीस से ज़्यादा असर कबूल किया। रामायण का एक सीन में ये असर कुछ ज़्यादा ही नुमाया नज़र आता। उन्होंने शौर व तूर पर भी अनीस ही के रंग को अपनाने की कोशिश किया और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं। चकसबत फितरी शायर थे। चकसबत कैसे शायर थे? फितरी शायर थे। लेकिन इनका ये कहना ये था कि दोस्तों को खुश करने के लिए कभी कभी शेर कह लेता हूँ। इनकी शायरी को देखकर बखूबी अंदाज लगाया जा सकता है कि वो एक फितरी और खरे शायर थे। इनके कलाम में सादगी सलासत सलासत सादगी सलासत रवानी, यहाँ पे सलासत होगा सलामत नहीं, रवानी और एक मुतरन्नुम फजा पाई जाती है। मुतरन्नुम यानी तरन्नुम के साथ जिसे गाया जा सके, जिसे एक लय में बोला जा सके, इसे मुतरन्नुम कहते हैं, फिजा पाई जाती है। इनकी शायरी का आगाज़ गज़ल ही से हुआ लेकिन बहुत जल्द नज़म निगारी की तरफ रागिब हो गए। मुहब्बे वतन थे यानी वतन से मोहब्बत करने वाले थे, इसलिए हब्बुल वतनी के जज्बे के तहत कौमी नज़मी लिखने लगे। इसलिए वतन से जो मोहब्बत करने के जज्बे के तहत क्या किया उन्होंने? कौमी नज़मी लिखी। कुदरती मनाजीर की अक्कासी, बेदारी वतन के जज्बात, आज़ादी की तड़प, जज्बाए हुरमत और दर्दमंद की मंदी के पहलू इनकी शायरी में नुमाया हैं। अनीस के असर ये भी नतीजा हुआ कि उन्होंने कौमी रहनुमाओं, बुजुर्गों और अहबाब के मरसिये भी लिखे और इनमें इनके सीरत की बेहतरीन अक्कासी की है। उन्होंने क्या किया? कौमी रहनुमाओं, बुजुर्गों और अहबाबों के मरसिये लिखे और उनके सीरत की बेहतरीन अक्कासी की है। इनका एक बड़ा कारनामा यह भी है कि उन्होंने अपने दौर के सियासी व सामाजिक ख्यालात और जज्बात को अपनी शायरी में जगह दी। उस दौर के जो सियासी ख्यालात थे और सामाजिक ख्यालात थे उसको क्या किया? अपनी शायरी में जगह दी और उर्दू नज़म को कौमी शऊर के नए तकाज़ों से आशना किया। इनकी नज़मों का मजमूआ सुबह सुबह वतन के नाम से शाया हो चुका है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको सारा सबक समझ में अच्छी तरह आ गया होगा और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अगले वीडियो में फिर मुलाकात।